उस देश के किसी एक जिले के बारे में बात करते हैं। वहां खेतों में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है और कृषि विशेषज्ञ क्या सलाह दे रहे हैं। आज बारी है उत्तर प्रदेश के रायबरेली की। रायबरेली के किसानों को क्या करना चाहिए, इस बारे में बात करते हैं रायबरेली के कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कौशलेश कुमार सिंह से, जो इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर सिंह, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपसे जानना चाहेंगे कि रायबरेली में इस समय कौन सी फसलें लगी हैं और किसान उनकी देखभाल कैसे करें। नमस्कार। इस समय रायबरेली जनपद में मुख्य रूप से गेहूं की फसल लगी है और सरसों की फसल है, चना है और अरहर की मुख्य फसलें हैं। जी, जिसमें गेहूं में इस समय अंतिम सिंचाई की अवस्था है, जिसके लिए किसान भाइयों को देखना होगा कि हवा कम हो तभी सिंचाई करें एवं जो बची हुई अंतिम टॉप ड्रेसिंग होती है यूरिया की 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करें। इसके साथ साथ सरसों में माहू की समस्या देखी जा रही है, तो माहू की समस्या के लिए रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफास 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर या एमडाक्लोरफिड 3 ml प्रति 15 लीटर के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। इसी तरीके जी बिल्कुल, यानी कि ये फसलें लगी हैं रायबरेली में और उसका किसान इस तरह से देखभाल कर सकते हैं, जैसे कि आपने सरसों के बारे में बताया, अरहर के बारे में बताया और गेहूं में फिलहाल सिंचाई, जो अंतिम सिंचाई की अवधि है, अभी फिलहाल अंतिम सिंचाई किसानों को करना चाहिए। ये बताइए डॉक्टर सिंह कि आने वाले दिनों में रायबरेली में कौन सी फसलों की बुआई किसान कर सकते हैं। रायबरेली में मुख्य रूप से गर्मी में जैसे उर्द की फसल बोई जा सकती है और मूंग की फसल बोई जा सकती है दलहन में। इसके अलावा किसान भाई मेंथा की फसल लगाते हैं और जो सब्जी में टमाटर, मिर्च, बैंगन, खीरा, भिंडी और तरबूज तथा खरबूज की फसलें लगा सकते हैं। और बिल्कुल जी बिल्कुल, यानी कि आपका कहना है कि ये फसलें जो हैं वो किसान आने वाले दिनों में लगा सकते हैं, मेंथा लगा सकते हैं और सब्जियों के बारे में भी आपने बताया कि जो किसान लगा सकते हैं। आपसे ये जानकारी लेना चाहेंगे कि आप अपने इलाके के किसानों को और क्या सलाह देना चाहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए। जैसा हमने बताया कि उर्द की फसल जो है अगर लगाना चाहते हैं तो इसकी बुआई 15 मार्च तक करें, जिसके लिए जो रोगरोधी और उन्नतशील प्रजाति है वह है शेखर 1, आजाद उर्द 1, आजाद उर्द 2 और आजाद उर्द 3 है। इसके अलावा मूंग अगर लगाना चाहते हैं तो इसकी बुआई 31 मार्च तक कर सकते हैं, जिसके लिए जो सबसे उपयुक्त प्रजाति है वह है सम्राट, जो कि PDM 139 और मेहा है। इसके अलावा IPM 2-3 है, IPM 2-14 है। इसके साथ साथ जब मेंथा और सब्जी की बुआई करें उसमें जड़ शोधन यानी उसका जो ट्रीटमेंट होता है उसको करके तभी लगाएं, जिसमें कार्बेंडाजिम या ट्रेब्यूकोनाजोल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उसका शोधन कर लें। जी बिल्कुल, यानी कि ये सारी सावधानियां किसानों को अपनाने की जरूरत है जो रायबरेली के किसान हैं। और खास तौर पर जब भी आप खेती किसानी करते हैं और आप अच्छी उपज चाहते हैं तो किस्मों का चुनाव काफी अहम हो जाता है, किस्में सही आप लें तो फिर बेहतर उपज भी पा सकते हैं। डॉक्टर सिंह, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।